आज के दौर में युवा पीढ़ी में नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसकी मिसाल 14 वर्षीय दो लड़कियां बनी जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल और अन्य चीजों में समय बर्बाद करने की जगह अपने पैशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक इंग्लिश मर्डर मिस्ट्री नॉवल समर एनिग्मा लिखकर पब्लिश किया है। राइटिंग की दुनिया में अपना कदम रखने वाली बारूनी अरोड़ा सेंट सोल्जर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मनहर अरोड़ा की बेटी हैं और प्रतिभा शर्मा लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर आईएएस वरिंदर कुमार शर्मा की बेटी हैं और उनके लिखे इस नॉवल को हर वर्ग से सराहना मिल रही है। जालंधर शहर की दोनों बेटियों की किताब का लोकार्पण एक निजी होटल में जिलाधीश लुधियाना वरिंदर कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर मनहर अरोड़ा, रिटायर्ड मेजर जनरल बलविंदर सिंह, इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अनूप बोहरी, मानव सोसाइटी के चेयरमैन मुकंद राज गुप्ता, चेयरमैन सुखजिंदर सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष शर्मा, डायरेक्टर डॉक्टर वीना दादा, डायरेक्टर डॉक्टर आरके पुष्करण, प्रिंसिपल रितु कौल, करियर काउंसलर सुरजीत लाल और प्रिंसिपल आईएस धामी की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स उन सभी युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बन गई हैं जिन्होंने खुद को सोशल मीडिया पर हर समय व्यस्त रखा। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक अमेज़न पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बड़ी खुशी बेहद माण हो रहा है कि योजे समागम दे विच शामिल होने का मौका मिले, जिथे कि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री वरिंदर कुमार शर्मा जी आईएएस डिप्टी कमिश्नर लुधियाना और मिसिज प्रवीण शर्मा जिहड़े कि दोनों आप बहुत लायक पेरेंट्स ने, उन्हां दे पद इन्हां दे चलदे हुए प्रतिभा शर्मा ते वरुणी अरोड़ा जिहड़े दोनों बेटियां ने एक जॉइंटली बुक लिखी है इंग्लिश दे विच समर एनिग्मा, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। जिन्हें पढ़िया ये बहुत कोई सौखा काम नहीं है, जिवें मैं पहले स्पीच भी किया कि बहुत सारे लोग सोच लेंदे आ, संकल्प कर लेंदे चीज़ का, पर उन्हें लिखण वेले उन्ना बैटर लिख नहीं सकते, एक्सप्रैस नहीं कर सकते जो उन्हों का आइडिया होंगे। मैं दोनों बच्चों को दिली मुबारकबाद दिना और स्पैशली पेरेंट्स नू और टीचर्स नू जिन्होंने इन्हों इन्ना अच्छा ग्रूम करके इस मुकाम पर लिया। परमात्मा अगे अरदास है मेरी कि बच्चे इस तरह ही अपनी लाइफ के सफर के भी होर उच्चिया उडांगा पाउण और जो इन्हों का एम है उत्थे इन्हों परमात्मा पहुँचा। वारुणी अरोड़ा और मेरी बेटी प्रतिभा शर्मा इन्होंने दोनों ने मिलकर किताब लिखी है। एज ए पेरेंट मैं बड़ी खुशी है इस गल की कि बच्चों का रुझान पढ़न लिखण वाल है। इन्होंने दोनों बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया लिखने में, स्पेशली क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गोवा थे थी, तो लाइक मुझे कोई ऐसा डर नहीं था कि कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि शी वाज़ ऑलवेज़ देयर। और एक प्रॉब्लम से थी लाइक पहली बात हम बहुत दूर थे, हम बिल्कुल भी कभी भी आके मिले नहीं, तो उसके कारण लाइक जो वन टू वन फेस इंट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। बट स्टिल क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन काइंड ऑफ लाइक बहुत फास्ट है, तो उसका भी बहुत वो था कि हमने कंबाइन करने आइडियाज़ एज ए फिक्शन है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आई। और दूसरा ये था कि लाइक क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री है तो उस सब में लाइक जितने भी प्लॉट होल्स वगैरह थे वो सारे हमें कवर करने थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। बट फाइनली विद द सपोर्ट एंड हेल्प, तो बेसिकली हमें राधा कृष्णी शी इज़ द क्वीन ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज वो हमें बहुत पसंद है, और हमें एन एफ रिटन भी बहुत पसंद है। तो हमने कोट्स पढ़े थे कि इफ़ यू वॉन्ट टू रीड समथिंग एंड इट्स नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड सो यू शुड राइट इट, तो मुझे मर्डर मिस्ट्री में बहुत मुझे लाइक इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि उसमें यू गेट एडवेंचर, यू हैव टू सॉल्व अ केस एंड दैट ऑल। बट फिर आई वॉन्टेड अ बुक दैट हैज ह्यूमर ऑल्सो एंड दैट हैज अ वेरी नाइस एडवेंचर एंड दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली यंगस्टर्स, तो फिर हमने सोचा कि हम मर्डर मिस्ट्री को एज अ बेस लेते हैं और फिर उसमें हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अ बुक आते हैं। फादर का तो मैं यही कहूँगी कि इनडायरेक्टली वो जो भी करते हैं तो उसी से हमें सीख मिलती है और हम वही मतलब यूज़ करते हैं आगे अपनी बुक के नाम, तो वही से हमें सीख मिली है इनडायरेक्टली जो भी वो काम करते हैं, इन्हें बस देख देख के हम सीख लेते हैं। एक से शुरू हो चुका था ये, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इतने गुम हो गए थे मिस्ट्री वर्ल्ड में कि हम चाहते थे कि हम अपनी ही लिखें, हमने थोड़ा रिसर्च का थोड़ा स्ट्रैटेजीज बनाई और उसके बाद हमने क्लास 8 के एंड में लिखना शुरू किया और क्लास 9 जब शुरू हुई तो हमारी